हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर अनीश, होम्योपैथी फिजिशियन। आज हम आपको बात करने जा रहे हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या है, पाइल्स किस कारण से होते जा रहा है आज के डेट में ज़्यादा? तो पाइल्स का मेनली एक ही कारण है, समझिए कि उसका जड़ है कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन के कारण ही आज के डेट में पाइल्स लोगों को ज़्यादा हो रहा है। आज के भाग दौड़ के लाइफ में तरह तरह के लोग खाना खाते हैं जो जिससे उनका पेट का बीमारी कंस्टिपेशन हो जाता है, गैस है, बहुत सारा चीज़ होता है। पेट में कंस्टिपेशन हो गया तो समझिए उनको पाइल्स होना ही होना है, आज हो या कल हो, लेकिन होना ही होना है। ठीक है, तो पाइल्स को हम समझें कैसे कि पाइल्स हो गया है। तो पाइल्स को समझने का एक तरीका है, पखाने के दौरान जब आपको लगे कि हमको दर्द महसूस हो रहा है, जलन हो रहा है, हल्का ब्लीडिंग हो रहा है, तो समझना चाहिए कि हमको पाइल्स है। लेकिन कन्फर्म होने के लिए नज़दीकी के डॉक्टर से जाकर के मिलें, परामर्श लें कि हमको क्या है। खुद को खुद टेस्ट करना भी आज के डेट में हानिकारक है, कि कुछ भी हो सकता है उस दौरान। लेकिन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, पाइल्स में एलोपैथिक मेडिसिन कुछ भी काम नहीं करता है। एलोपैथिक में क्या है, वो बस सर्जरी कर देगा, उसके बाद फिर से पाइल्स ग्रो कर जाएगा। तो दोस्तों, पाइल्स पर जो है सबसे बेहतर मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन होता है, और होम्योपैथिक मेडिसिन पाइल्स में बहुत बढ़िया वर्क करता है। जैसे किसी को जेनेटिकल भी पाइल्स होता है, कंस्टिपेशन तो हो ही रहा है, आज मेन तो जरूरी है लेकिन जेनेटिकल भी इसका कारण है। तो होम्योपैथिक में बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं पाइल्स के लिए। अब समथिंग बाज़ार में जो तरह तरह के पेटेंट मेडिसिन अवेलेबल है, पाइलेन ड्रॉप, पाइल्स ड्रॉप, पाइल्स एंड फिसूरा ड्रॉप, बहुत तरह के पेटेंट में एक से एक ड्रॉप है, लेकिन ऐसे ही आदमी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेना चाहिए। होम्योपैथिक जो है वो साइन और सिम्टम पर, लक्षण पर ही दवाई दे जाता है। पाइल्स भी उसका सिम्टम दे जाता है, किस टाइप का हरकत है, किस टाइप का व्यक्ति है, थीन है, फैट है, सारा चीज़ को ध्यान में रख करके उसका दवाई दिया जाता है। मेनली पाइल्स का होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर किन्हीं को ब्लीडिंग पाइल्स है तो डोलिकस क्यू ले लें, 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम। नाइट्रिक एसिड है, कैल्केरिया फ्लोर है, एस्क्यूलस है, बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन सिम्टम को जान करके ही उसको दवाई दिया जा सकता है। ऐसे ही बता देंगे, होम्योपैथिक में तो ढेर सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो किताब पढ़ करके ढेर सारे मेडिसिन को मिल जाता है और तरह तरह के दवा अपने ऊपर यूज करते हैं, लेकिन एक गलत चीज़ है। लेकिन हम अपने तजुर्बा के अनुसार जो आपको बता रहे हैं, पाइल्स का एक बहुत बढ़िया मेडिसिन होम्योपैथिक में, किसी भी तरह का पाइल्स क्यों ना हो, फर्स्ट पूजा वनम ले लें, वन डोज, पहला दिन वन एम खुजा लें, उस दिन कोई दवाई और नहीं खाएं। उसके बाद अब इसे दर्द है तो इग्निशिया लें, 4 बूंद सुबह 4 बूंद दोपहर 4 बूंद शाम। नाइट्रिक एसिड ले लें, 4 बूंद सुबह 4 बूंद दोपहर 4 बूंद शाम। अगर ब्लीडिंग के साथ है तो उसके साथ डोलिकस क्यू मिला लें, हेमामेलिस क्यू है, ये सारा दवाई बहुत बढ़िया वर्क करती है होम्योपैथिक। और होम्योपैथी ही इसका मेन जड़ से छुड़ाने का, पाइल्स जो बवासीर होता है उसको छुड़ाने का सबसे बढ़िया मेडिसिन होम्योपैथिक में होता है, और कोई पैथी नहीं है। खैर, हर एक पैथी का अपना अपना थी है, किसी पैथी को ख़राब नहीं कर सकता, हर एक पैथी का अपना अपना रोल होता है, लेकिन होम्योपैथी बहुत ज़्यादा और बेस्ट वर्क करती है, ये माना गया है। ठीक है दोस्तों।